subscribe and click the bell icon for television updates. आपके शो भाभी जी ने 7 साल कंप्लीट कर लिए, कितने खुश हैं आप? मैं तहे दिल से ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। वो इज्जत व मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। 7 साल शो को हो गए हैं और 7 साल में 5 बार ITA अवार्ड मिला है। खुशी की बात है और खुशी में 4 चांद यूं भी लग जाते हैं क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे बड़े भाई वसीम अमरोही का गाना रिलीज़ हुआ मेरी बंदी और उसने चारों तरफ तहलका मचा रखा है। गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, अगर आपने गाना देख लिया है? गाना बहुत प्यारा है, गोल्डी ने बहुत अच्छा गाया है और लिखा भी बहुत खूबसूरत है और निशांत और खुशबू ने लाजवाब अदाकारी की है। डायरेक्टर का भी खूब बढ़िया काम है, तभी तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। तो मेरी तहे दिल से मुबारकबाद है और काबिले तारीफ काम है, ऐसी ही करते रहें, दिल से दुआ है मेरी। सर क्या आप भी कभी सोचे हैं म्यूज़िक एल्बम में आने के लिए या फिर हम आपको देख ही आने वाले टाइम में म्यूज़िक एल्बम में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कलाकार जब मुकम्मल हो जाता है तो वो कोशिश करता है कि उसकी कलाकारी दुनिया देखे, क्योंकि उसका कभी भी कहीं पर भी किसी भी काम से पेट नहीं भरता। तो जितना भी हमें चैलेंज मिलता है उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा काम करें कि लोगों को पसंद आए, ज़रूर करेंगे। कांग्रेचुलेशंस, आपको भी ITA अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और आपकी तारीफ भी हुई है। जी जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ITA अवार्ड तो मिला, लेकिन जब हम स्टेज से नीचे उतरे तो शत्रुघ्न सिन्हा सर ने अपने पास बुलाया, सर पे हाथ रखा और कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है कि इतना बड़ा स्टार लेजेंडरी शत्रुघ्न सिन्हा सर ने हमारी तारीफ़ करी और इससे पता चलता है कि हर घर में है तो है, सिर्फ भाभी जी घर पर हैं। सर इस गाने की जैसे कि अगर हम बात करें, निशांत सिंह मलखानी है, खुशबू जी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनका एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, दोनों ने, खुशबू और निशांत ने काम किया है। मैं वहाँ पर भी कहा था, फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरी बंदी की खुशबू चारों फिज़ा में गूंज रही है, चारों फिज़ा में फैली हुई है और निशान के निशान जो हैं लोगों के दिलों पर लगते जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि और व्यूज मिलें, मिलियन से ज़्यादा हों, खूब तरक्की करें, यही दिल से दुआ है मेरी। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो भाभी जी घर पर हैं, कौन से प्रोजेक्ट में हम आपको देखिए? अभी हाल ही में रिलीज़ होने वाली है फिल्म जग्गू की लालटेन, उसमें रघुवीर यादव जी ने लीड किया है। उसमें मैंने पिल्लू द ग्रेट का किरदार किया है जो बहुत ही मज़ेदार है, 5-6 सीन है, मज़ा आएगा। तो अब देखिए वो कब रिलीज़ होती है, अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है उसका। आज वुमेंस डे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है और आज वो दिन है। वो इंसान महान है जो महिला का सम्मान करता है, मान करता है, और चाहे बेटी की शक्ल हो या माँ की शक्ल, बीवी की शक्ल हो या बहन की शक्ल, ये खूबसूरत कुदरत की तरफ से दिए हुए अनमोल तोहफे हैं। इनको सराहना करना चाहिए, इनको हर जगह पर अप्रिशिएट करना चाहिए और जो भी गलत ख्यालात रखता है वो इंसान नहीं शैतान है। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को और कसम खा के कह रही हूँ, टिल्लू चाहे जितना बदमाश हो, मोहल्ले में लौंडियों को छेड़ता हो, लेकिन रियल में सलीम जैदी से मिलोगे तो बहुत प्यारा इंसान है जो औरतों की कद्र करता है, सम्मान करता है। बस यही कहना चाहता हूँ, मेरी बंदी जो गाना रिलीज़ हुआ है इसको पसंद कीजिए और खूब शेयर कीजिए, चारों तरफ फिज़ा में यही गाना गूंजना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भाभी जी घर पर हैं, NTV पे 10:30 बजे आवे मंडे टू फ्राइडे, वो देखते रहिए, वरना टिल्लू एक एक के गुर्दे छील देगा।